जब भी हमारे इस और इस हिस्से में सूजन आ जाती है तब हम इसे कहेंगे साइनोसाइटिस। लक्षणों में आएगा कि जो रोगी है वो नाक से सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि कंजेशन है, मुंह से सांस लेगा और नजला जुखाम उसका बना रहेगा, आवाज उसकी बदल जाएगी, हर समय ऐसा लगेगा कि जो नाक का जो म्यूकस है वो मुंह के जरिए रिस रहा है, क्योंकि नाक बंद है तो मुंह के जरिए वो म्यूकस सा रिसता रहेगा। खांसी खराश की संभावना रहेगी और सबसे बड़ी चीज कि सर हमेशा सा भारी भारी सा और कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा वो व्यक्ति किसी और काम में। तो प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि क्या है कारण साइनोसाइटिस के और कैसे नेचुरल तरीकों से हम इसको ठीक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो क्या क्या उपाय हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, साइनोसाइटिस के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से साइनोसाइटिस हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी है पराकणों से या जानवरों के बालों से, तो कभी कभी यदि उनके संपर्क में आते हैं तो तुरंत उन्हें साइनोसाइटिस पकड़ लेता है। दूसरा, वायरल बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकती है क्योंकि जब इन साइनसिस में वो इन्फेक्शन आ जाएगा तो म्यूकस या कफ या बलगम जिसे हम कहते हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और साइनसिस दर्दीले होने लग जाएंगे, तो ये साइनोसाइटिस का रूप लेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जब वीक इम्यूनिटी होगी तो वो ऐसे लोगों के संपर्क में जिन्हें नजला जुकाम है तो उन्हें भी नजला जुकाम हो जाता है और साइनोसाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। या कुछ ऐसे लोग जिनकी प्रकृति ही कफ की है, क्योंकि वात पित्त कफ तीन तरीके की प्रकृति है, जब इम्बैलेंस हो जाता है इनमें तो जो ऐसे लोग जिनमें कफ की प्रकृति है अधिकता है बाहुल्य है कफ का, तो ऐसे लोगों को भी साइनोसाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। साइंटिफिक एविडेंसेस से पता चला है कि कुछ एसेंशियल ऑयल्स बहुत ज्यादा कारगर है साइनस के ट्रीटमेंट में क्योंकि ये सूजन है उसको खत्म करते हैं, बैक्टीरिया फंगस और वायरस से फाइट करते हैं और दर्द को खत्म करते हैं। यही तो होता है साइनोसाइटिस में। तो सबसे पहले जो नाम है वो है पिपरमेंट प्योर एसेंशियल ऑयल का। इसमें मेंथॉल होता है, ये जो बंद नाक है उसको खोल देगा और इसके अलावा जो म्यूकस है उसको क्लियर कर देगा। दूसरा इसमें है यूकिलिप्टस प्योर एसेंशियल ऑयल। यूकिलिप्टस में सेनॉल होता है जो कि रनिंग नोज है उसको बंद कर देगा और जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ठीक कर देगा। इसके अलावा हेडेक को ठीक करेगा। इसमें है टी ट्री प्योर एसेंशियल ऑयल। हम सभी जानते हैं टी ट्री प्योर एसेंशियल ऑयल एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल है, तो यही तो है क्योंकि साइनसिस में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं और दर्दीले हो जाते हैं, तो टी ट्री इन सबको दूर कर देगा। इसके अलावा इसमें है लेवेंडर प्योर एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर सूजन को खत्म करता है, स्वेलिंग को खत्म करता है और सबसे बड़ी बात इसमें है रोजमेरी प्योर एसेंशियल ऑयल। हम सभी जानते हैं कि रोजमेरी प्योर एसेंशियल ऑयल में एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसका एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है जिसकी वजह से जो साइनसिस में सूजन आ गई थी वो सूजन पटक जाएगी, तो जब आप अप्लाई करेंगे इस ब्लेंड को, बहुत इजी है, आप अपने साइनसिस के ऊपर इसको लगा सकते हैं, दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं, फिर देखिएगा कि कितनी जल्दी से आपके साइनसिस क्लियर हो जाएंगे और जितनी तकलीफों में आप थे बहुत जल्दी से राहत आपको मिल जाएगी। साथियों, आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप अरोमाथेरेपी से जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट्स में जरूर लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। आप अरोमाथेरेपी सीखना चाहते हैं तो हम कॉरेस्पोंडेंस के जरिए सिखाते हैं, आपको भी जरूर सिखा देंगे। आप हमें नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, ये जो हमारी मेल आईडी है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलती किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।